हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां ऑल क्रिएटिविटी हेयर पे। तो फ्रेंड्स देख रहे हो, मेरा हाथ पे है ये बीट रूट, मतलब चुकंदर। इसे हम लोग चुकंदर भी कहते हैं और बीट रूट जो सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स हर मौसम में शायद मिलते हैं बीट रूट, पर ये है कि आपको जो मौसम में जो चीज़ मिलते हैं, जो चीज़ वही मौसम में जो मतलब होता है वही यूज़ करने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स हम कहेंगे जो मौसम में जो चीज़ होता है वही यूज़ करो। तो फ्रेंड्स बीट रूट में बहुत सारा विटामिन पाए जाते हैं, शायद आपको पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें जो विटामिन है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, इसमें पोटेशियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें कैल्शियम है, इसमें फाइबर भी है, इसमें आयरन भी है और इसमें पोटेशियम भी है। इतना सारा मतलब विटामिन है, शायद एक दो छूट जाए तो मुझे माफ़ करना, बहुत ज़्यादा विटामिन इसमें पाया जाता है। इतना ज़्यादा खासियत है बीट रूट में। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो है खून बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन के जो कमी हो जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करता है खून बनाने में। और फ्रेंड्स आज जो मैं करने वाली हूँ, हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल भी मेरा वीडियो स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो मैं जो कर रही हूँ शायद आपको समझ ना आए, तो आपको ये लास्ट तक मेरी वीडियो देखना होगा, क्योंकि जो मैं आज करने वाली हूँ बेसिकली मैन और वुमेन के लिए मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स बीट रूट का जो इस्तेमाल करेंगे उससे पहले इसको हम वॉश कर लेंगे। तो चलिए वॉश कर लेते हैं, फिर बताते हैं हम इसका क्या करेंगे, क्या बनाने वाले हैं, खाएंगे क्या करेंगे, तो बाद में आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसको अच्छे से मैं वॉश कर लेती हूँ। तो मैं इसको अच्छे से छील लूँगी, ठीक है, अच्छे से छील लेना होगा, ठीक है। फिर पता लग जाएगा आपको कुछ मिनटों में मैं क्या करने वाली हूँ इसके साथ, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ध्यान से करना, नहीं तो आपका हाथ भी कट सकते हैं। इसको अच्छे से छील लिया है, ठीक है, उसके बाद मैं फिर से धो लिया है। तो चलिए इसका हम क्या करेंगे आपको पता लग जाएगा, तो आप लास्ट तक देखो मेरी वीडियो। अब ये अच्छे से मैं कट कर लूँगी, आधा हिस्से में कर लूँगी क्योंकि मुझे इसका पूरा नहीं चाहिए। ये मैं दो टुकड़ों में काट लिया हूँ। अब इसका मैं क्या करेंगे, जूस निकाल लेंगे। आप शायद आपको थोड़ा थोड़ा पता लग चुका होगा, ये जो है बीटरूट जो मैंने क्रश कर लिया था ये बिल्कुल हो चुका है। अब मैं इसका क्या करेंगे, जूस निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जूस निकालेंगे, तो हम इसमें निकाल लेंगे जूस। इसलिए मैं ये स्टील का बोल ले लिया हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे इसको हीट करना है, इसलिए मैं स्टील ऐसे ऐसे हम जूस निकाल लेंगे इसके हेल्प से। देख ही सकते हो कितना सारा निकला है बीट रूट का जो जूस है। आप मिक्सी में भी पी सकते हो, पर मैं ये क्रश कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत सारा हो चुका है, 2 से 3 चम्मच बीट रूट का जो जूस है ये बिल्कुल, देखो कितना अच्छा फाइन, कितना अच्छा कलर है देखो, क्योंकि बीट रूट होता ही है रेड कलर का, और भी 2-3 टाइप का कलर में आते हैं। जो इंडिया में बीट रूट जो है इस कलर में मिलते हैं, हमारे यहाँ तो इस कलर में मिलते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, स्टील के बॉल में ले लेंगे क्योंकि मुझे ये हीट करना है। ये मैंने एक स्टील का बॉल में ले लिया है क्योंकि मुझे इसको हीट करना है। तो फ्रेंड्स इसका जूस जब भी निकालो आप, प्योर निकालो, इसमें पानी मत देना क्योंकि पानी से अगर निकालोगे ये ख़राब हो जाएंगे जो मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स बीट रूट जो है हेयर और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, हेयर और स्किन के लिए। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हम लोग मानते हैं। तो चलिए मैं क्या करती हूँ, इसको हीट करूँगी थोड़ा सा, ये हल्का सा ही गर्म करना होगा, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे हम, हल्का सा ही गर्म करना होगा, हल्का ही गर्म करना। फ्रेंड्स देखो ये गर्म हो रहा है, जो है हल्का ही पकाना है, हल्का हीट में पकाना है, हल्का फ्लेम में। तो देखो ये पक चुका है, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और मेरे पास 2-3 डब्बा है, तो ये बिल्कुल वॉश है, एकदम अच्छे से वॉश करके मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और जो है और एक डब्बा, ठीक है, देख लो कितना छोटा सा है। और एक है वैसलीन का, मैंने बिल्कुल इसको वॉश करके रखा हुआ है, जो मुझे अभी ज़रूरत हो सकती है। और अब आपको पता ही लग चुका है मैं अब क्या करने वाली हूँ, तो चलिए मैं क्या करती हूँ देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ बीट रूट में कितना ज़्यादा विटामिन है, पहले मैं बता चुकी हूँ। ये हेयर और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, जो हम घर में यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाहर का जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं मार्केट वाला, वो चीज़ करो, पर हाँ होममेड वही करो, क्योंकि होममेड में जितना अच्छा काम देते हैं जल्दी से, वो शायद मार्केट वाला नहीं देता है। तो फ्रेंड्स हम आज बनाने जा रहे हैं लिप बाम, जो हाँ इसमें जो है इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन है जो हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो
बहुत किसी का मतलब होता है कि हमारे लिप जो है ब्लैक पर जाते हैं, नेचुरली पिंक नहीं है, रेडिश नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, घर में आप होममेड ये लिप बाम जो है बनाओ, घर में यूज़ करो, ये आपको नेचुरली पिंक बनाने में हेल्प करेंगे और आपका जो होंठ है बहुत ही ज़्यादा नरम और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएंगे। जो होंठ भी फट जाते हैं इस ठंड के मौसम में तो वो भी चले जाएंगे। तो हाँ, इस मतलब लिप बाम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे तो देख लेते हैं। इस लिप बाम को बनाने के लिए विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके बिना नहीं हो सकते हैं। और वैसलीन, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम जेली होता है, इसके लिए लिप बाम जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आप वैसो केयर भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है, चाहे वैसलीन हो चाहे वैसो केयर है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं वैसलीन ही यूज़ करूँगी, तो मैं इसको रख देती हूँ। इसके लिए मुझे वैसलीन चाहिए, तो मैं आपको पता ही है वैसलीन कितना अच्छा हमारे स्किन के लिए, कितना ज़्यादा हेयर के लिए भी वैसलीन यूज़ होता है, तो वो भी मैं बता दूंगी। ये ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको नेचुरली होम मेड लिप बाम बना के हम दिखा रहे हैं, तो फ्रेंड्स घर में आप ऐसे ही ट्राई करो, देखना आपका होंठ बहुत ही ज़्यादा नरम और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं और एक चीज़ ले लूँ, वो है विटामिन ई की कैप्सूल, एक भी ले सकते हो दो भी। तो विटामिन ई जो होता है हमारी स्किन और हेयर के इश्यू जितने भी होते हैं वो सॉल्व कर देते हैं, इसलिए लिप बाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, वैसलीन और विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से मिला लेना होगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, नेचुरली होता है ये लिप बाम, जो हमारे होंठ को बहुत ही अच्छा कलर देते हैं बिल्कुल, और ये ठंड के मौसम में तो बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड्स मैं इतना बड़ा डब्बे में नहीं रखना चाहती हूँ, ठीक है, और भी लिप बाम रखने के लिए इस टाइप का मैं इसमें भी नहीं रखूँगी, मैं ये वैसलीन के डब्बे में रखूँगी, बिल्कुल ये वॉश है। तो फ्रेंड्स मैं इसको इसी में, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुका है, देखो। तो फ्रेंड्स मैं इसमें भी वो वैसलीन का मैं डब्बे में भी रख लिया है, अब मैं ये छोटा सा देख ही रहे हो, छोटा सा कितना अच्छा है, देखो गिरता भी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा ये लिप बाम फॉर्म में हो चुका है, देखो। अब मैं इसको यूज़ करके बताऊंगी कितना अच्छा होता है, आप भी घर में ट्राई करो, जैसे जैसे मैं जैसे प्रोसेस में किया, अब ये देखो कितना अच्छा होता है, बढ़िया एक प्योर एक लिप बाम बनके तैयार है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा होता है ये लिप के लिए। तो आप ये घर पर ट्राई करो, ऐसे ही होममेड ये लिप बाम है जो आप घर में यूज़ कर सकते हो, और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कितना ज़्यादा अच्छा होता है ये लिप के लिए, एकदम नेचुरली आपके होंठ जो है बिल्कुल ये पिंकी बना देंगे और एकदम पिंक बना देंगे और रेडिश बना देंगे। तो आप देख ही रहे हो कितना, देख ही रहे हो, ये बिल्कुल होठ पे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल यूज़ होने हो सकता है ये होठ में इजीली, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है अपने होठ पे, फटे होठ में यूज़ करो, जिनके होठ बिल्कुल ब्लैक पड़ चुके हैं ये ईजिली लगा सकते हो, घर में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपके होठ बिल्कुल पिंक जैसा हो जाएंगे। ये यूज़ करो, ये होम मेड लिप बाम है जो आप घर में बना के यूज़ कर सकते हो। देखो अब मैं इसको यूज़ करके बताऊँगी, ये होठ में जो मतलब पिंक शेड में दे देंगे, आपके जो होंठ बिल्कुल ब्लैक पड़ चुके हैं, नेचुरली पिंक नहीं है, तो ये बिल्कुल हो जाएंगे इसको यूज़ करते। तो चलिए मैं इसको यूज़ करके बताती हूँ। तो देखो ये मैंने थोड़ा सा उंगली में ले लिया है, थोड़ा सा और ले लेती हूँ। ये बिल्कुल आपका जो होंठ है, काले होंठ बिल्कुल भी आपका नेचुरली पिंक लगेंगे। और हाँ फ्रेंड, एक बार में कुछ भी नहीं होता है, इसको रेगुलर यूज़ करना है, पूरा यूज़ करना है। जो चाहते मेरा होंठ पिंक लगे, रेड टाइप का लगे, तो बिल्कुल ये देखना, खुद ही यूज़ करके फ़र्क नज़र आएंगे। तो ये वाला लिप बाम आप घर पे यूज़ करो, देखना कितना अच्छा होता है, देख ही रहे हो, आप खुद ही देख रहे हो मेरा होंठ कुछ नज़र आ रहा है, जो मैंने कोई लिपस्टिक यूज़ नहीं किया था, नहीं किया, तो आप देख रहे हो। आप ये घर में यूज़ करो, देखो होममेड लिप बाम है, कितना अच्छा होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मार्केट वाला भी अच्छा होता है, जिसको अच्छा लगता है वो यूज़ करना, जो घर में एकदम केमिकल लेस लिप बाम यूज़ करना चाहते हैं तो घर में आप बीटरूट से बना सकते हो। फ्रेंड्स देख लो कितना अच्छा होता है, देख लो, आपको खुद ही नज़र आएंगे, आप यूज़ करो घर पे, ये बिल्कुल सेफ है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ऐसे ही ऐसे वीडियो आप देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।